वर्तमान में ओटीटी प्लेटफॉर्म ने जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की है। एक से एक शानदार कंटेंट घर बैठे ही दर्शकों को मिल जाता है, जिसके लिए उन्हें अच्छा खासा पैसा भी खर्च करना पड़ता था और समय भी देना पड़ता था। लेकिन ओटीटी ने काफी आराम कर दिया है। इसके साथ ही ओटीटी आने के बाद एंटरटेनमेंट के सोर्स और कंटेंट और भी बढ़ गए। इंडिया में जब ओटीटी पॉपुलर हुआ तो इंडियन वेब सीरीज पूरी दुनिया में लीड करने लगी। सेक्रेट गेम्स, मिर्जापुर, असुर, पाताल लोक और न जाने कितनी वेब सीरीज में बड़े पर्दे वाले बड़े बड़े एक्टर्स दिखाई दिए और अपने खोए हुए स्टारडम को वापस हासिल करने में सफल भी हुए। ऐसे में आज हम आपको ओटीटी के सबसे महंगे इंडियन एक्टरों के बारे में बताने वाले हैं। अजय देवगन। अजय देवगन देश के सबसे महंगे ओटीटी एक्टर हैं, जो एक शो के लिए 125 करोड़ रुपए की फीस चार्ज करते हैं। पिछले साल अजय देवगन की सीरीज आई थी रुद्रा द एज ऑफ डार्कनेस, इसी के साथ अजय देवगन ने अपना ओटीटी डेब्यू किया था। इस सीरीज के लिए अजय देवगन ने 125 करोड़ रुपए चार्ज किए थे। आप इस सीरीज को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं। सैफ अली खान। ओटीटी के सबसे महंगे इंडियन एक्टर्स की लिस्ट में दूसरा नाम एक्टर सैफ अली खान का है, जिन्होंने सेक्रेट गेम्स के एक सीजन के लिए 15 करोड़ रुपए चार्ज किए थे और सेक्रेट गेम्स को दर्शकों का बहुत प्यार मिला था। पंकज त्रिपाठी। तीसरे सबसे बड़े ओटीटी एक्टर पंकज त्रिपाठी हैं। उन्होंने सेक्रेट गेम्स के लिए 12 और मिर्जापुर के लिए 10 करोड़ रुपए चार्ज किए थे। इन दोनों ही सीरीज को दर्शकों का असीम प्यार मिला था। मनोज वाजपेयी। इस लिस्ट में चौथे नंबर पर मनोज वाजपेयी जी हैं, जिन्होंने द फैमिली मैन के एक सीजन के लिए 10 करोड़ रुपए लिए थे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी। इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी का नाम आता है, जिन्होंने सेक्रेट गेम्स के लिए 10 करोड़ रुपए चार्ज किए थे। इस सीरीज में दर्शकों ने उनके किरदार को बहुत पसंद किया था।